क्लास टेंथ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अगर हम बात करें कौन के मिरर के बारे में, इट इज कौन के मिरर, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट्स फोकस पॉइंट। ये गैप पोल से सीधा का गैप होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड गैप बिटवीन पोल एंड फोकस इज फोकल लेंथ, दैट इज एफ। तो हम अभी प्रूव करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर होती है वो फोकल लेंथ की जस्ट डबल होती है। दिस फॉर्मूला वैलिड फॉर बोथ टाइप ऑफ मिरर्स। दिस formula is valid for concave and convex mirror, दोनों के लिए काम करेगा ये formula, चाहे वो convex हो चाहे वो concave हो। convex के लिए center of curvature, focus, it is pole, it is R, it is F. तो यहां भी आपका जो R होगा वो F का डबल होगा, इस केस में भी ऐसा ही होगा। तो दोनों टाइप्स के मिरर के लिए, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी डबल ऑफ फोकल लेंथ। एक पार्ट में नाउ अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ का, इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे होता है। सपोज हमें लिया है एक कॉनकेव मिरर, इट इज ए इंसिडेंट लाइट रे, जो मिरर पर पॉइंट ए पर हुई है इंसिडेंट। अब यहां पर हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ करना मैंने बताया था आपको, जहां पर भी हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है उस वाले पॉइंट को बना देंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये जो लाइन है सी ए, इट विल बी नॉर्मल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट रे इट इज एंगल आई और इट इज एंगल आर। लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं आई इक्वल टू आर होता है, ये वाला एंगल भी आपका आई होगा। क्योंकि ये लाइन ड्रॉ की है हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो लाइन होगी इट विल बी नॉर्मल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला एंगल भी आपका आई होगा। अब यदि मैं देखूं ट्राइंगल सी ए एफ, इस टाइम हम देखते हैं तो ये एंगल भी आपका आई है और ये वाला एंगल भी आपका आई होगा। अब जिस ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो जाते हैं वो हो जाता है आपका आइसोस्कलिस ट्राइंगल। तो ये वाला एंगल सेम है, तो इनके अपोजिट साइड भी कैसे होंगी सेम, तो साइड ए एफ विल बी इक्वल टू सी एफ। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल सेम हो गया, तो साइड दो आपकी सी एफ और ए एफ है, सी एफ और ए एफ, क्योंकि इसके सामने की साइड ए एफ और इसके सामने की साइड सी एफ, दोनों विल बी इक्वल। इसको नाम दिया है इक्वेशन नंबर वन। अब बात करते हैं इस ट्राइंगल की ए एफ एम, क्योंकि ये एंगल भी आपका आई है और ये एंगल भी आपका आई है, ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया टू आई। अब इस केस में देखते हैं ये दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, तो ये लाइन किस काम करती होगी एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये कंप्लीट एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये कितने एंगल का लिया टू आई, ये भी कितना होगा टू आई। अब ट्राइंगल ये एंगल टू आई आ गया है, यूज इसमें है नहीं। अब देखते हैं यहां पर हमने लिया है एक केस फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर। स्मॉल अपर्चर का मतलब होता है इस लेंस का जो डायमीटर है, ये डायमीटर होता है लेंस का, ये एक्स वाई, ये बहुत ही छोटा है। तो ये जो लाइट आपकी हुई है इंसिडेंट वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से आई होगी। इसको हम आपको समझ सकते हैं कैसे, यदि ये स्मॉल अपर्चर वाला मिरर हो गया, ये लाइन जब इसके पैरेलल आएगी, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस,
तो ये होगा नॉर्मल, सारे नंबर छोटे छोटे होंगे, और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। तो ये चूंकि बहुत छोटा आया होगा, अतः इसको जूम कर थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है। बट ये हम सोच के चलते हैं कि पॉइंट ए पोल के बहुत करीब है, तो ऐसा होगा कि पॉइंट ए पॉइंट पी के बहुत करीब होगा। तो क्या होगा इस केस में, इस बात को भी देखिए। जब पॉइंट पी के बहुत पास होगा पॉइंट ए, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो यहां पे मैंने पॉइंट एम लिया है, वो पॉइंट एम पोल के बहुत ज्यादा करीब होगा, और ये वाला पॉइंट उससे बहुत करीब है। अब देखिए, जब ये वाला पॉइंट इसके बहुत करीब है, यहां देखते हैं लाइट ऐसे आ रही है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, डार्क नॉर्मल, ये आपका फोकस हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये एएफ लाइन जो है, एएफ और एफपी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये पॉइंट इसके बहुत करीब होगा। अगर ये पॉइंट ए यहां होता इसके बहुत करीब, तो क्या एफ ए और एफ पी दोनों बहुत कैसे जाते, क्लोजली इक्वल हो जाते। तो यही इसका मतलब है, दोनों बहुत पास पास हो जाएंगे पॉइंट ए एंड पी। तो हमें कह सकता हूं कि एफ ए इक्वल टू एफ पी, एफ ए या एफ इक्वल टू एफ पी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब 2 और 1 को देखो ध्यान से, सी एफ इक्वल टू ए एफ और ए एफ इक्वल टू एफ पी, हेंस कंबाइन कर दीजिए, ए एफ बराबर सी एफ बराबर एफ पी। अब देखो इस लाइन को, सी पी ये लाइन पूरी है, इसको लिख सकते हैं हम सी एफ प्लस एफ पी, सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। और सी एफ किसके इक्वल है, ए एफ के, और या फिर एफ पी कह लो, बात एक ही है, सारे इक्वल आपस में है, तो सी एफ बी किसके इक्वल, एफ पी के इक्वल, एफ बी तो एफ पी है ही, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो सी एफ सी पी इक्वल टू टू एफ। सी पी क्या है, सी पी इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ पी इज एफ, तो आर इक्वल टू टू एफ, हम कह सकते हैं आर इक्वल टू टू एफ। बट ये जो फॉर्मूला है, ये केवल तभी होगा वैलिड जब आपके मिरर का अपर्चर बहुत ही छोटा होगा, या हम ये कहें जब आपकी इंसिडेंट लाइट रे पोल के बहुत करीब ही इस पे होगी इंसिडेंट, तब भी हम कहेंगे कि आर इक्वल टू टू एफ है। बट बुक्स में, नोटबुक में ये डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, कोई देखेगा नहीं, इसीलिए डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। लेकिन हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उस मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है, अपर्चर बड़ा होगा तो ये वैल्यू फॉर्मूला नहीं होगा। बट क्लास 10th के लेवल पर और 12th लेवल पर हम यही मान चलेंगे कि मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। अब हम बात करने वाले हैं किसी भी मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला और उसका प्रूफ। तो पहले देखते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा, चाहे वो आपका कॉन के मिरर हो चाहे वो आपका कॉनवेक्स मिरर हो। अब हमें तीन चीजों को ध्यान रखना है, यू वी और एफ। तो यू का मतलब क्या होगा, किसी भी मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को कहते हैं हम इमेज डिस्टेंस, दैट इज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से जो आपकी इमेज बन रही है उस तक का जो डिस्टेंस होगा, उसको शो करते हैं किससे, वी से, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो उस मिरर की फोकल लेंथ होती है, उस फोकल लेंथ को शो करेंगे हम एफ से। अब इन तीनों में जो रिलेशन होगा, यू वी और एफ में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को ही उस मिरर के लिए हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। तो और ये रिलेशन होता क्या है,
दैट इज 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. v u और f में रिलेशन आपका ये है, यहां पर v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ. और ये रिलेशन दोनों टाइप के मिरर के लिए, आइदर कॉनकेव और कॉनवेक्स, दोनों के लिए वैलिड होगा. बस आपको ध्यान इसमें क्या रखना है, इसमें आपको u v और f की वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान रहे वैल्यू पुट करेंगे, तो उनको पुट करेंगे विद साइन. नेगेटिव पॉइंट ऑफ क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने सीखा था ये पोल है, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है लेफ्ट में तो इसकी डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे, इमेज अगर इधर बन रही है तो नेगेटिव लेंगे, इमेज इधर बन रही है तो पॉजिटिव लेंगे, ऊपर को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे, हाइट अगर नीचे बन रही है इमेज की तो नेगेटिव लेंगे, ऊपर अगर इमेज बन रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे. हम इसको देख सकते हैं साइन कन्वेंशन वाली वीडियो में, आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. हम देखते हैं प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला क्या है, कैसे ये फॉर्मूले का करके आता है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ मिरर फॉर्मूला. हमने यहां पर एक केस ले लिया है कि ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पर, यहां से कोई लाइट दे गई. हमने इमेज ड्रॉ करने के कॉन्सेप्ट थोड़े पढ़े थे, यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पास कहां से करती है, फोकस से पास करेगी. ये फोकस से आ गई, ये लाइट ले गई पोल पर, तो जितने एंगल से आई है उतने एंगल से ये वापस आएगी. दो ही लाइट के काफी है, हमने पढ़ा था यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे का हो जाए इंटरसेक्शन, वहां पर क्या बनती है इमेज. ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश आपका इमेज है. अब हमने इसमें ऐसे दो डायग्राम वाला कर लिए हैं, एक तो ए बी पी, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया, ए डैश बी डैश पी को मैंने यहां ड्रॉ कर लिया. अब देखिए रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल होगा इसके बराबर, ये एंगल दोनों कैसे कैसे है जब मैंने नंबर देखे हैं, इन दोनों ट्राइंगल में आपका एक एक एंगल तो 90 डिग्री का बराबर हो गया, एक आपका एंगल ये बराबर हो गया. हेंस ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश पी बी डैश बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया. अब बी सी बी डैश इनको एक मिला लिया, ये हमेशा कैसे होंगे कोलिनियर. तो अब ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये भी कितने का है 90 डिग्री का, दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी कैसे होंगे आपस में इक्वल होंगे. तो ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी और सी ए डैश बी डैश भी आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे. तो दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर ट्राइंगल, ये वाला इसके ये वाला इसके, लिख दिया है मैंने. अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है. अब ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर था, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स 90 डिग्री वाली साइड ये होगी इसके करेस्पॉन्डिंग, और ये वाली होगी ये वाली इसके करेस्पॉन्डिंग. तो ई बी बटे ए डैश बी डैश और ए पी अपॉन ए डैश पी, ये मैं यहां पे लिख दिया ऐसे. यहां से क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे आपस में सिमिलर ट्राइंगल से, तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी कैसा होगा, सेम होगा. हेंस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एंड ए सी अपॉन सी ए डैश या ए डैश सी, दोनों हमें लिख दिए हैं. अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दोनों का एलएचएस आपस में सेम, तो इनका आरएचएस आपस में कैसा होगा, सेम होगा. Hence, PA upon PA dash will be equal to C upon A dash C. ये हो गया. अब PA की वैल्यू क्या होगी, PA अब डायग्राम में लिखते हैं, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस. हमने अभी देखा है कि पोल से जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है दैट इज u, PA बराबर u, क्योंकि पोल से लेफ्ट में है, hence it will be कैसे होगी
नेगेटिव माइनस यू। अब पी ए डैश पोल से ए डैश, ए डैश क्या है, इमेज है, ये डिस्टेंस कैसी होगी नेगेटिव, और पोल से इमेज की डिस्टेंस को शो करते हैं v से, दैट इज v विद माइनस साइन बिकॉज लेफ्ट में है पोल से। अब बात करते हैं सी ए की, सी ए, सी आपकी ये है, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी तक का गैप कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज r, तो मुझको चाहिए सी ए, तो मैं पी ए में से PC सबट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा AC, तो दैट इज U, U माइनस R, क्या बचेगा AC, तो U माइनस R विद माइनस साइन बिकॉज पोल से लेफ्ट में है। अब बात करते हैं हम A'C की, A'C ये हो गया, अब ये कैसे आएगी, इतना डिस्टेंस कितना है R, इतने में से इतना घटा दूं ये बच जाएगा, तो PC माइनस PA' यानी कि R माइनस वी, आर माइनस वी, ये भी कैसे होगा नेगेटिव होगा, अब ये वाला नेगेटिव इस वाले से कट गया, इससे कट गया तो इस वाले से ये वाला कट जाएगा। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यू आर माइनस यू वी इक्वल टू वी यू प्लस सॉरी माइनस वी आर, अब यू वी को इधर भेज दो, यू वी की तरफ इसको आप इधर ले आओ, यू भी हो जाएंगे टू यू भी, वी आर घटा करके जुड़ जाएगा, और हमने अभी देखा था रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, आर होता है टू एफ के इक्वल, इसमें आप पुट कर दीजिए आर बराबर टू एफ, पुट करेंगे इसमें आप आर बराबर टू एफ, तो इसमें आपको मिल जाएगा, इसको रफ कर लेते हैं, जब से आपने इसे पुट किया है अब यहां से आप दो कॉमन ले सकते हैं, पहले तो जब आप हमसे टू कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा वी एफ प्लस टू एफ कॉमन लिया, पूरा टू एफ कॉमन लिया आपने, तो वी प्लस यू इज इक्वल टू टू यू वी, टू से टू गया, अब वी यू अपॉन यू वी इक्वल टू वन अपॉन एफ, इसको आप प्लस है बीच में अलग अलग करो उसको ट्रांसफर, तो v अपॉन यू वी प्लस v अपॉन यू वी इक्वल टू वन अपॉन एफ, v से v गया, दोनों की लिख दिए हैं गलती से, ये वाला एक u है, u से u गया और v से v, तो वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो ये आपका हो जाता है मिरर फॉर्मूला, इसको आप आगे भी ले सकते हैं, इसको आप वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ भी ले सकते हैं, और प्लस में है प्लस में इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू बराबर वन अपॉन एफ, ये आपका मिरर फॉर्मूला कहा जाता है, और ये दोनों तरह के मिरर्स के लिए वैलिड है, इसको याद रखेंगे, क्लास टेंथ में इसका डेरिवेशन नहीं काम का है, लेकिन आपको आना चाहिए और ये रिलेशन तो आपको याद रखना है, इसमें ध्यान से रखना है कि हम यू वी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे विद साइन, पोल के लेफ्ट में लाएंगे तो नेगेटिव होगा, और ये बात और ध्यान रखनी है इसमें, ये मिरर फॉर्मूला दोनों टाइप्स के लेंस मिरर के लिए वैलिड होता है।